ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज का राशिफल 24 जनवरी 2024 बुधवार का दिन, चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि का जो मालिक होते हैं भगवान भोलेनाथ शिव शंभु। तो आज का कोई भी समस्या भोलेनाथ का स्मरण करते हुए दिन का प्रारंभ करें। पौष शुक्ल और आज दो घड़ी मुहूर्त सावित्री और आज का नक्षत्र पुनर्वसु पूर्ण रात्र तक पुनर्वसु चलेगा और आगे भी पुनर्वसु है। आज का चंद्र राशि मिथुन 1:47 AM तक रात्रि तक और आगे फिर भी पुनर्वसु रहेगा। ऋतु शिशिर सूर्योदय 7:13, सूर्य अस्त 5:53 और शक संवत 1945। काल आज का कली संवत 5125, विक्रम संवत 2080 और अभिजीत मुहूर्त आज कुछ भी नहीं रहेगा। राहु काल 12:33 PM से लेके 1:53 PM तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा, संभल के जाएं उत्तर दिशा में। राशि बल मेष मिथुन सिंह कन्या धनु और मकर में रहेगा। मस्त रहेगा, इनका पावर रहेगा आज। नक्षत्र बल आज भरणी रोहिणी आद्रा पुष्या अश्लेषा पूर्व फाल्गुनी हस्ता स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा पूर्व भाद्रपद श्रवणा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती में रहेगा। आज का जो हो रहा और लग्न का प्रारंभ हो रहा है आज अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला सुबह 7 बजे से लेके 8-6 बजे तक बुध का हो रहा रहने वाला है और इस समय मकर लग्न रहेगा। तो एनर्जी एकदम सुबह का स्वीटेबल रहने वाला है। थोड़ा सा चंचलता दे सकता है इस समय सभी के यूनिवर्सल लेवल पे और इस समय स्वाभाविक बात है ये कुंभ का द्वादश मिथुन का अष्टम, तो कंटिन्यूअसली थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कुंभ का हो रहा 9:27 तक चलेगा और 9:27 तक चंद्रमा और शनि का लग्न रहेगा और इस समय हो रहा चंद्रमा और शनि का रहेगा। ये भी बड़ा सुइटेबल एंड मैचिंग एनर्जी मिल रहा है तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन स्लो डाउन रहेगा इस समय। कोई भी काम आप देखना मानसिक लेवल पे थोड़ा सा स्लो डाउन, ट्रैफिक टाइप जाम इस समय रह सकता है और ये मीन का द्वादश कर्क का अष्टम, इनके लिए थोड़ा सा इस समय सावधानी रहना। सावधानी मीन समझ लीजिए कि कोई बड़ा काम नहीं करना। मीन लग्न 11:01 तक और इस समय बृहस्पति और मंगल का हो रहा बहुत अच्छा सुइटेबल रहेगा, लेकिन राहु का भी भ्रमात्मक शक्ति भी यहाँ पर काम करेगा तो इस समय भी निर्णय लेना या कोई बड़ा काम या इस समय किसी भी प्रकार के मूवमेंट में थोड़ा सा चिंतन और सावधानी करते हुए भोलेनाथ का नाम लेते हुए करें, सफल हो जाएंगे। उसके बाद 11:39 से 12:33 और सूर्य का हो रहा शुक्र दिन का 12:33 से 1:26 तक, इस समय मेष का हो रहा रहेगा तो यहाँ उच्च का सूर्य बृहस्पति और शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1:26 तक प्रॉब्लमेबल दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे सुइटेबल एनर्जी मिल जाएगा। ब्रश 2:44 तक रहने वाला है। बुध और चंद्रमा का हो रहा रहेगा, यहाँ भी मस्त एनर्जी मिल रहा है, एकदम सॉलिड काम। उसके बाद मिथुन का 4:56 तक और इस समय शनि और बृहस्पति और मंगल तीनों का हो रहा रहेगा और यहाँ पर 5 से लेके 5:53 तक थोड़ा नेगेटिव, लेकिन बाकी टाइम सुइटेबल रहेगा। और मिथुन लग्न में स्वाभाविक बात है कर्क का द्वादश और मकर का अष्टम, इस समय इनके लिए थोड़ा सा सावधानी का स्थिति रहेगा। कर्क का हो रहा चलने वाला है 6:05 तक और 6:05 तक का टाइम पीरियड मंगल और सूर्य का हो रहा, यहाँ पर कंप्लीटली मिसमैच एनर्जी दिखाई दे रहा है। सूर्य का हो रहा थोड़ा सा सपोर्टेबल शाम तक, शाम को तो घर आ जाएंगे। दिन का काम का एनर्जी ये रहने वाला है। तो आज स्वाभाविक पुष्कर दोष मुक्तवती एक पाद दिखाई दे रहा है और ये
पुष्कर दोष थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लेमेबल रहेगा। रजस चक्र, जो भी लड़की आज पहला बार रज दर्शन करेगी उनके लिए कन्या पुत्री प्राप्ति बंध्या दोष शांतिकरणीय अत्यंत आवश्यक रहने वाला रहेगा, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। सो चलिए राशिफल, टारगेट लाइन मिथुन ही रहेगा, तो बेस के लिए आज भी मस्त है, सॉलिड है, 70-80% का एनर्जी यहाँ दिखाई दे रहा है, सफलता का बहुत सारा चांसेस है। काम कर लो मेष वाले, आपके लिए 1.5 साल तो बढ़िया है, और आज का दिन भी मस्त है, तो सफलता और ऊर्जा टॉप रहेगा, मन एकदम प्रसन्न रहने वाला है, काम कर सकते हैं। वृष का बात करते हैं, यहाँ आपके लिए एनर्जी डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन रिकवरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन धनवाणी परिवार के क्षेत्र में यहाँ पर मात्र 37% का एनर्जी आज यहाँ पर है। मिथुन का बात करते हैं, 70% है, लेकिन यात्राओं में थोड़ा सा समस्या दे सकता है, पुनर्वसु, री एस्टेब्लिशमेंट एंड री प्रयास आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफलता दिखाई दे रहा है। कर्क का द्वादश रहेगा, नॉट गुड, थोड़ा समस्या, लेकिन रात को एनर्जी चेंज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, दिन के लिए खर्चा, क्षति, नुकसान, यात्रा में परेशानी, मानसिक तनाव दे सकता है, ढैया चल रहा है। सिंह का बात करते हैं, तो एकादश चंद्रमा 90 तक हाइक करेगा, गो गो एकदम, चिंता आपके और बोलना ही नहीं है। कन्या का बात करें, दशम कार्य सिद्धि योग सफलता, सिंह के लिए लाभ मिल सकता है आज, बहुत कुछ चांस है। तुला के लिए बात करते हैं, तो आज भी उतना ज्यादा एनर्जी सपोर्टिव नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रचंड 80% नेगेटिव चल रहा था, आज आपको थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगा, सफलता दिखाई दे रहा है, अगर बीमार वगैरह मानसिक बीमारी जैसे टाइप रह सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्म सफलता का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 37-38% तक जा सकते हो। बिच्छू के लिए बात करते हैं, अष्टम चंद्रमा आज भी है, मानसिक तनाव, दुख, पीड़ा, मान कर्म में बाधा, कई सारे समस्याएं इंटरनल, बाहर नहीं दिखाई देगा। आगे बात करते हैं धनु के लिए, तो धनु के लिए ये सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती, लेकिन घात चंद्र से थोड़ा सा सावधान, गाड़ी वगैरह देख के चलाएं, कल बड़ा भयंकर एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज टाइप भी हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है, एक्सीडेंटल इंपैक्ट, मंगल भी बैठा हुआ है और शुक्र भी इन कर चुके हैं यहाँ पर, तो कुछ ज्यादा ही ग्रह युद्ध आपके अंदर चलेगा, उथल पुथल कवरअप हो सकता है, बड़ा सावधानी का मेंटेन करना चाहिए धनु के लिए। मकर के लिए बात करते हैं, द्वादश चंद्रमा आपके लिए भी यहाँ पर, छठा चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता, लेकिन उग्र ऊर्जा के कारण संभल के रहना चाहिए, लेकिन आरोग्यता भी देने वाला है, बल वृद्धि पुष्टि विधायक भी होगा, नया आइडियाज भी मिलेंगे, लेकिन मन में कई सारे भय, फियर, फोबिया का भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आपका कुंभ के लिए, कुंभ के लिए यहाँ बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा है, विवेकहीनता और तनाव तो दे सकता है, कॉन्फिडेंस में कमी भी कर सकता है। मीन के लिए पुनर्वसु, गुरु का नक्षत्र संभालेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन उतना बढ़िया हो हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए पुनर्वसु नक्षत्र, टारगेट अश्विनी मेष मघासिंह मूल धनु आपके लिए क्या रहने वाला, जन्म संपद विपद क्षमा तारा दिख रहा है, एनवायरमेंट और आपका एनर्जी रहेगा आज का, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा पे है, नॉट गुड रहेगा, 50-50 ले लीजिए। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए रह सकता है, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% गुड हो गया, एनवायरमेंट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक कर्म सिद्धि योग दिखाई दे रहा है। कृतिका मेष वर्ष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर, तो आपके लिए आज का टारगेट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, यस कर्म सिद्धि योग, एनवायरमेंट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी पे अच्छा है। फिर भी रोहिणी वृष हस्ता कन्या सर्वणा मकरू आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा पे दिखाई दे रहे, बढ़िया है, और आपका एनर्जी जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा पे है, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ विपद तारा पे है, उतना बढ़िया एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ संपद तारा पे धन प्राप्ति योग है, पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन जन्म तारा 70% गुड है, पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उदरपाद मीन अति मित्र अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन मित्र मित्र अति मित्र मिल जाए तो बेफिक्र का एनर्जी रहता है, बाकी पीछे का एनर्जी एनवायरमेंट देखना नहीं पड़ता है, हर चीज को फाड़ के आगे चला जाता है। तो ये था आपका ऊर्जात्मक आज का दिन का, और मिला लेना राशिफल क्या है, लग्नफल क्या है, होराफल क्या है, और किस समय आपको थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना है, और फिर नक्षत्र फल को उसमें मिलाना, चारों फल आपको समझ में आ जाएगा, आपके राशि, लग्न, नक्षत्र, होरा के अनुसार आपके लिए कितना सुइटेबल और किस समय कौन सा कार्य करने का निर्णय लेना चाहिए। तो ये था एक एनर्जी फील्ड के अनुसार राशिफल, लग्नफल, होराफल, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत
धन्यवाद, नमस्कार।